हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का व्लॉग है हमारा मंगरोली गांव, जो मेरा दादी का घर है। और वहां हम गए थे और वहां का व्यू दिखाते हैं आपको। ये है मेरी दादी का घर और ये है चाची। चाची अब क्या कर रहे हो? चाची आप क्या कर रहे हो? ये होता क्या है? ये राई का बीज। राई का बीज इससे क्या करते हैं? हाँ, इससे क्या करते हैं? बीज के राई मतलब होता क्या? अच्छा, राई की सब्जी। अभी आप इसको संभाल लोगे, फिर जब ठंडी आएगी तब इसको बोओगे सब्जी के लिए ना। बहुत टेस्टी होते हैं। ये खेत, ये क्या है? ये ऐसे ये वाले पेड़ लहसुन है। ये चाचा, अब लहसुन के पत्तों की चटनी नहीं बनाते? बहुत टेस्टी बनती है, मैं बताऊंगी आपको। और यह आयांश यहाँ पे मस्ती कर रहा है। मैं वीडियो बना रही हूँ। और वो सामने दादी हैं। और आज जैसा कि 14 अप्रैल है, तो आज संक्रांति है। और ये यहाँ पे, और ये है रांच, और इसमें सर्दियों में ओढ़ने के लिए काम आने वाली पंखी, रजाई ऐसे बनाया जाता है, जो कि काफ़ी गर्म होते हैं। और ये उसका साँचा है। चैन देखो हमारे ऐसे तो होते हैं। ये आदि है। हाय आदि। और ये अमन, और ये मयंक। आदि नाक खर्च ओढ़ रहा इसमें। हेलो, लाइक कर दो। हैं सर पत्ते हैं। और ये चाची, डंकी हो रहा। चाची आप क्या कह रहे हो? ये आयांश। दंड पूजे है आज। हम लोग मंगरोली आए हैं और हम मंगरोली आए हैं तो यहाँ पे दंड पूजे है। और ये सामान, कपड़े, सब बर्तन। ये देखो कुकर। और लाइक करना, सब्सक्राइब। ये देखो, लाइक करना। बोल आदि। हाँ बोलो। हाय आदि, बोलो। आप बोलो कुछ। ये क्या है चाची? इसे क्या बोलते हैं? और गाइस, ये देखिए, ये है मेरी दादी और ये बना रही हैं इस पे पंखी, जो मैंने आपको बताया था। जैसा मैंने आपको बताया था कि रात में दंड पूजे है, जो पितृ पूजा हमारे घर में, जिसमें सभी गांव वालों को भी बुलाया जाता है और सब गांव वाले मिलकर पहले खाना बनाने में मदद करते हैं और उसके बाद सब लोग खाएंगे। और ये उसी की तैयारी हो रही है। और चाची ने सारी सब्जियों को इकट्ठे कर दिया है काटने के लिए, बनाएंगे। और ये बन रहा है पूरी पकौड़ी, और जो मेरी चाची बना रही है। और उसके बाद सबसे पहले भगवान जी के लिए अलग से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद ही सारा प्रोसेस शुरू होगा। देखिए, ये गांव के सभी रिश्तेदार लोग मदद कर रहे हैं। अब हो चुकी है शाम और पंडित जी भी आ गए हैं और पूजा शुरू हो गई है।
और ये मेरी बड़ी चाची सिल्ली बना रहे हैं, जो कि पूजा में बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे यहाँ। और इसको डिज़ाइन देके बनाएंगे, जो कि पूजा के काम आती है। और वैसे इसे लोग चटनी के साथ भी खाते हैं, ये काफ़ी टेस्टी होती है। गाइज, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बगल में बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।